जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया, आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं आज एक्सिता पोर्टल लिमिटेड कंपनी के बारे में। कुछ शानदार अपडेट निकलकर सामने आए हैं, इस अपडेट के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार तेजी इस स्टॉक में देखने को मिली। एक दिन में स्टॉक का तकरीबन 8.5% के आसपास चढ़ गया, तो इससे कौन सा न्यूज निकलकर सामने आ रहा है या वो क्या अपडेट है जिसके बदौलत ये स्टॉक इतना भागते हुए दिख रहा है और इसमें फिर से क्या बुल रन शुरू हो गया, इन्हीं सब मुद्दों को इस वीडियो में आसान भाषा में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले BSE इंडेक्स वेबसाइट पर चलेंगे, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन सा अपडेट है जिसके बदौलत ये स्टॉक आपको इतना चढ़ते हुए दिख रहा है, ताकि आपको भी इसमें कमाने का मौका मिल सके और जो नए लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए एक सटीक स्ट्रेटजी बताऊंगा कहाँ पे आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ताकि आपको पैसा बनाने में थोड़ी सहूलियत हो सके। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग BSE इंडेक्स वेबसाइट पर आ गए हैं और BSE इंडेक्स वेबसाइट पर देखिए एक्सिता पोर्टल लिमिटेड कंपनी को मैंने ओपन किया हुआ है। कमाल की बात यह कि ये स्टॉक आपको किसी भी रेड फ्लैग में नहीं दिखेगा, ना तो ये स्टॉक ESM की कैटेगरी में, ना ही GSM, ना ही ASM की कैटेगरी में, यानी कि जो सबसे मेन चिंता की बात होती है उस चिंता से ये स्टॉक ऊपर है, आप इसमें इजीली बाय सेल कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि इस स्टॉक में जो ट्रेडिंग विंडो है उसको क्लोज कर दिया गया है और ट्रेडिंग विंडो क्लोज हुआ है 28 मार्च के डेट से ही। मतलब ये सामान्यतः ट्रेडिंग विंडो तब क्लोज की जाती है जब कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले होते हैं। अब ये क्वार्टर्स के नंबर कौन से नंबर आ रहे हैं क्वार्टर के, तो Q4 के यानी कि मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है। अब ये ट्रेडिंग विंडो इसलिए क्लोज कर दी जाती है ताकि जो कंपनी के अंदर के लोग हैं उनको यदि ये पता लगे कि नंबर अच्छे आ रहे हैं तो एक मोटा पैसा बना सकते हैं, इसलिए जिसको इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं तो उस वो चीज़ नहीं हो, इसलिए ट्रेडिंग विंडो हर एक स्टॉक में जब किसी कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर आने वाले होते हैं तो बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ भी वही हुआ है। अब आपको मैं बता रहा हूँ, कमाल की बात सुनिए, इस स्टॉक के जो Q4 के नंबर आने वाले हैं अच्छे आने वाले हैं और अच्छे आने वाले हैं तभी इस स्टॉक में देखेंगे यहाँ पे वॉल्यूम आपको 1.8 टाइम्स इंक्रीज होते हुए दिखा है। वॉल्यूम्स बढ़ने का मतलब स्टॉक में तेजी आ रहा है, पिछली बार देखेंगे तो 1.6 टाइम के हिसाब से बढ़ा था और ये वॉल्यूम बढ़ रहा है यानी कि नंबर अच्छे आ रहे हैं। इसी का जो देन है कि इसके जो शेयर प्राइस है, शेयर प्राइस में आज आपने देखा तकरीबन 8% का जंप इस स्टॉक में लगा है। मतलब कुल जमा बात यह है कि ये स्टॉक में बुल रन आने वाला है। तो एक्सिता पोर्टल लिमिटेड कंपनी के काम धाम फंडामेंटल के बारे में तमाम अपडेट मैंने पिछली बार दिया है। लेटेस्ट अपडेट ये है कि कंपनी के Q4 के नंबर आने वाले हैं, तो Q4 के नंबर अच्छे आने वाले हैं, तो जो नए व्यक्ति इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई किसी का पहले से इन्वेस्टमेंट है, वो एवरेजिंग भी करना चाहते हैं, तो कहाँ पे क्या कर सकते हैं उसके लिए चलिए हम लोग चलते हैं चार्ट पर। और यहाँ पे मैंने 1 साल का चार्ट ओपन कर लिया है। 1 साल के चार्ट पर आपको स्पष्ट दिखेगा कि कंपनी का प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ उठने लगा, हालांकि अभी भी रेंज में ही है ये 20 रुपये से लेकर तकरीबन 25 रुपये, इसी के बीच में स्टॉक का प्राइस अभी भी फंसा हुआ है, लेकिन आप दिखेगा कि प्राइस अब ऊपर की तरफ जाने लगा है। इजीली इसको 25 रुपये के लेवल को ये ब्रेक करेगा, 30 रुपये के लेवल के आसपास आएगा यहाँ पे, और 30 रुपये के लेवल के आसपास आके फिर स्टॉक का प्राइस थोड़ा दिन समय बिताएगा और समय बिता के ऊपर निकलेगा। इजीली आपको स्टॉक का प्राइस 25 से 60 रुपये तक आते हुए दिखेगा, दिख जाएगा जिस तरीके से कंपनी के Q4 का नंबर आने की उम्मीद है। Q4 के नंबर अच्छे आ रहे हैं और अच्छे आएंगे तो रिजल्ट में तेजी आएगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि स्टॉक का प्राइस एकदम से 25 रुपये से उठ के 60 रुपये तक आ जाएगा, लेकिन 30-35 रुपये तक इजीली आपको स्टॉक का प्राइस आते हुए दिखेगा, 25 रुपये के लेवल को ऊपर निकल जाने दीजिए। जिसको पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट करना है वो क्या करेंगे कि जब 25 रुपये के लेवल के ऊपर इसका प्राइस निकलेगा, एक शानदार ब्रेकआउट हो जाएगा, तो 25 रुपये के ऊपर आप इसमें बाई कर सकते हैं और इजीली आप कम से कम 35 रुपये, और फिर लॉन्ग टर्म के लिए यदि आपको कंफ्यूजन है तो 60 से 65 रुपये तक के लिए भी इस स्टॉक में जा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के क्वार्टर्स का नंबर की। देखिए यदि हम लोग पिछले क्वार्टर्स में देखें, हालांकि पिछले कुछ क्वार्टर्स में देखें तो कंपनी के जो सेल्स हैं लगातार आपको इंक्रीज समय के साथ होते हुए दिखा है, एक आध क्वार्टर को छोड़ दें। जैसे यहाँ पे देखेंगे जो सितंबर क्वार्टर रिजल्ट आया था उसमें सबसे ज़्यादा तेजी अभी तक देखने को मिली है, हालांकि उसके बाद जो नंबर आया थोड़ा सा कम आया था, लेकिन इस बार जो नंबर आएगा ये उम्मीद है कि सितंबर और दिसंबर दोनों क्वार्टर में जितने अभी तक हाईएस्ट सेल्स हुआ उससे ज़्यादा आएगा, और सिर्फ सेल्स ही ज़्यादा नहीं होगा, सेल्स तो ज़्यादा हो गए जाहिर सी बात है, नंबर अच्छे आएंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट होता है, नेट प्रॉफिट यानी कि जो टैक्स ऑफ देने के बाद कंपनी के पास बचता है, तो नेट प्रॉफिट भी आपको यहाँ पे बढ़ते हुए दिखेगा। हालांकि इसमें अभी सेल्स के मामले में बताया कि पिछले क्वार्टर में चूंकि सेल्स कम हुआ था तो प्रॉफिट भी पिछले क्वार्टर के मुकाबले यहाँ पे आपको दिखेगा कम हो गया था, लेकिन इस बार सारी चीज़ें आपको सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आपको इंक्रीज होते हुए दिखेंगे, तो ये एक अच्छी बात है, खुशी की बात है जो इसके इन्वेस्टर्स हैं उसके लिए भी, प्लस जो नए व्यक्ति इसमें पहली बार इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उनके लिए भी। बैलेंस शीट में आपको दिखेगा कि इस स्टॉक के पास जब आप डेप्ट देखते हैं तो डेप्ट सिर्फ और सिर्फ 6 लाख के आसपास है, जबकि इस कंपनी के पास जो रिजर्व पैसा है वो 39 करोड़ के आसपास है, सॉरी ये 6 लाख नहीं 6 करोड़ है, तो कर्जा जितना है उससे बहुत ज़्यादा कंपनी के पास कैश पैसा है। कंपनी जब चाहे अपने कर्जे को इजीली चुका सकती है, और चूंकि जब कंपनी के पास प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट तो हर साल हो हर क्वार्टर में हो रहा है आपने देखा, तो प्रॉफिट का पैसा कंपनी कहाँ खर्च करेगी, खर्च करने के लिए तो है नहीं क्योंकि कर्जा लगभग ना के बराबर है, इसका पैसा कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में करेगी। बिजनेस एक्सपेंड होगा जब
तब कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर की तरफ भागेगा और आपका इन्वेस्टमेंट भी इसके साथ बढ़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ एक्सिता कोटल लिमिटेड के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।